हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अतुल कुमार सिंह और आज मैं फिर से आपके लिए लाया हूं UPTET, CTET, NVS, KVS, UPPCS, बैंक, रेलवे इत्यादि एग्जाम्स में पूछे जाने वाला सामान्य अध्ययन, वो भी हिंदी में। और इसके मैं 10,000 क्वेश्चंस लाने वाला हूं। इसके आज मैं लाया हूं पार्ट वन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हिस्ट्री स्पेशल होंगे और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चंस पर पहुंचते हैं। और पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, सविनय अवज्ञा हेतु, या फिर हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु, या फिर नीलकर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। तो ये जो है गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था और ये नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए था और यह 1917 में शुरू हुआ था और 1917 में ही ख़त्म हो गया। और इसमें गांधी जी ने नील कर्मियों की समस्याओं का समाधान किया था। आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान। आगे बढ़ते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए सती प्रथा का उन्मूलन, ये विलियम बेंटिक सही आंसर हो जाएगा। राजा राममोहन राय के प्रयास से विलियम बेंटिक ने इसका सती प्रथा का उन्मूलन किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया? तो ये बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और आप लोग शायद इसको जवाहरलाल नेहरू लगाएं या सरदार पटेल लगाएं या अबुल कलाम आज़ाद लगाएं, लेकिन ये तीनों ही गलत हो जाएंगे और इसका सही जवाब होगा अब्बास तैयब जी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अब्बास तैयब जी। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट ये जुड़ा था किससे? तो ये अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट यहाँ पर दिख नहीं पा रहा है इसलिए मैं इसको बार बार सही नहीं कर पा रहा हूँ। खैर, ये जो है जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। ये सही जवाब हो जाएगा इसका डी वाला, मोतीलाल नेहरू। तो देख लीजिएगा, महात्मा गांधी ने जो है हरिजन नामक पत्र प्रकाशित किया था और बाकी लोगों के पत्र मुझे इस समय याद नहीं आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मदरसा ए बेगम, ये गुलबदन बेगम, महामंगा, जियाउन्निसा, जोधा बेगम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महामंगा, अर्थात ये अकबर को जिन्होंने पाला पोषा था, अकबर के संरक्षक पिता जो है बैरम खान थे और संरक्षक माता जो थी वो महामंगा थी। यद्यपि अकबर की जो मूल माता थी उनका नाम था हमीदा बानो बेगम, लेकिन ये जो महामंगा थी इन्होंने इनको पाला था। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए भारत छोड़ो अर्थात 1942 की बात है तो उस समय महात्मा गांधी को मुंबई में बंदी बनाया गया था। कहाँ बंदी बनाया गया था? मुंबई में। आगे बढ़ते हैं, और जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी तो गवर्नर जनरल कौन था? ये सवाल कई बार आता है और कई एग्ज़ाम्स में ये गलत भी हो जाता है। तो जान लीजिएगा 1857 में जो है कैनिंग आ चुका था अपने यहाँ, जो कुछ किया डलहौजी ने उसका प्रतिफल उठाया कैनिंग ने, मतलब उसका भुगतना पड़ा कैनिंग को। डलहौजी ने राज्य हड़प नीति वगैरह अपनाई थी और डलहौजी ये सब करते हुए 1856 में चला गया, लेकिन कैनिंग को इसका प्रतिफल यानी कैनिंग को इसका भुगतान करना पड़ा और कैनिंग के समय पर 1857 की क्रांति हुई थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अमीर खुसरो एटा ये सही है, मिर्जा गालिब आगरा ये भी सही है, जोश मलिहाबादी ये भी सही है, और जिगर मुरादाबादी होना चाहिए लेकिन ये गोरखपुर लिखा है अर्थात यही वाला गलत हो जाएगा, अर्थात यही वाला सही हो जाएगा, आई मीन टू से ये सुमेलित नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च इसका निर्माण करवाया था कहाँ? माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में, या कानपुर में? बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था कहाँ? तो ये नैनीताल, सरधना, या कानपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका हो जाएगा सरधना, सरधना में। और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यद्यपि ये बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी ये भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं,
जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था, और ये सभी को पता होगा जो भी इसका प्रिपरेशन करते हैं उन सभी को पता होगा। और इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, टोंडरमल किससे संबंधित थे, तो टोंडरमल मालगुजारी सुधारों से संबंधित थे, अर्थात राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे, ये अकबर के नवरत्न में से एक थे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्यागी गई थी, तो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा त्यागी गई थी, यह आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी ने केसरी की उपाधि जो है त्यागी थी, और एक सर शंकर नायर थे उन्होंने सर की उपाधि त्यागी थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी माप तोल का प्रभारी था, तो देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट और ऐसा क्वेश्चन है जिसको बहुत कम लोग कर पाएंगे, तो माप तोल के लिए इसका सही जवाब हो जाएगा पौतवाध्यक्ष। क्या हो जाएगा? पौतवाध्यक्ष, यानी ये ए वाला हो जाएगा, पौतवाध्यक्ष ये माप तोल के लिए होता था। पणवाध्यक्ष जो है ये वाणिज्य का होता था, वाणिज्य के लिए पणवाध्यक्ष। सीताध्यक्ष ये भूमि के लिए होता था, यानी ये जो है राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष माना जाता था, और उग्र पुलिस वालों को उग्र कहा जाता था, और जो कि काफ़ी हद तक आज भी है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी खानों का अध्यक्ष था, मौर्य युगीन अधिकारी खानों का, तो देखिए ये जो भी खान होती हैं माइंस जिनको कहते हैं खानों का अध्यक्ष, तो ये खानों का अध्यक्ष आकराध्यक्ष कहलाता था। कौन कहलाता था? आकराध्यक्ष। इसके अलावा सुराध्यक्ष, ये सुरा माने दारू, तो मदिरालय का अध्यक्ष हुआ करता था। कोष्ठागारा अध्यक्ष गोदामों का अध्यक्ष हुआ करता था। और सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने पराजित किया था, तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित करने वाले के लिए ये 1761 में हुआ था, और ये अफगानों ने मराठों को पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं, मुगल काल में दरबारी भाषा कौन सी थी, मुगल काल में दरबारी भाषा, और ये भी कई सारे क्वेश्चंस में आया हुआ है, और ये फारसी थी, याद रखिएगा ये फारसी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, किसने करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी, किसने करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बीजी तिलक, इन्होंने ये वाला हो जाएगा, बीजी तिलक ने करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। आगे बढ़ते हैं, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, तो ये देख लीजिएगा सूची एक और सूची दो, इसका हल्दी घाटी का युद्ध अकबर से संबंधित है, अर्थात ए का टू हो जाएगा, और बिलग्राम का युद्ध ये हुमायूं से संबंधित है, खुसरो का विद्रोह ये जहांगीर से संबंधित है, और खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा सांगा के बीच, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए वाला। आगे बढ़ते हैं, अर्थात इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, अकबर ये वाला हो जाएगा, बिलग्राम वाला ये हुमायूं वाला हो जाएगा, और खुसरो वाला जहांगीर वाला हो जाएगा, और ये वाला बाबर का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चीनी यात्री ह्वेन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी उसने, तो ह्वेन सॉन्ग में हा आता है, हर्षवर्धन में हा आता है, आपको इस तरीके से याद रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगस्थनीज आया था जो कि यूनानी था, तो यानी माँ से माँ याद रखिए। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहयान आया था, और इत्सिंग जो है वो श्री विजय के समय आया था, श्री विजय के समय इत्सिंग आया था, इत्सिंग, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहयान, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगस्थनीज। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे वो भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया, सही उत्तर दीजिए, तो ये सभी को पता होगा, सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, तुगलक वंश इसमें दिया नहीं है तो आगे बढ़ जाइए, यानी उसके बाद सैयद वंश, और उसके बाद लोदी वंश, अर्थात ये सही जवाब हो जाएगा ये गुलाम वंश एक, यानी चार वाला, अर्थात ये वाला 4132, यानी ये 4132 वाला सही हो जाएगा, ये वाला 4 माने गुलाम, फिर एक खिलजी, फिर 3 सैयद, और फिर 2 लोदी। आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम कब की थी,
तो प्रथम पाकिस्तान की मांग 1940 में की थी, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और जान लीजिएगा, इसका बहुत से लोग भगवान दास कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा। सही आंसर है इसका चित्रंजन दास। सही आंसर क्या है? चित्रंजन दास। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, कौन था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये आश्चर्यजनक किंतु सही जवाब यही है, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल बादशाह बोला जाता है, वो सबसे विद्वान बादशाह था, विद्वान शासक था। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय ये संपन्न हुआ था किसके समय? एलन बरो के समय, हार्डिंग्स के समय, ऑकलैंड के समय या एम हर्स्ट के समय? इसका सही जवाब हो जाएगा ये एलन बरो के समय, जिन्होंने दास प्रथा हटाई थी। ये किसके समय हो जाएगा? एलन बरो के समय, जिन्होंने दास प्रथा समाप्त की थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? शैलकृत स्थापत्य ये कैलाश मंदिर एलोरा वाला हो जाएगा, जान लीजिएगा। बाकी जितने भी हैं ये शैलकृत स्थापत्य के उदाहरण नहीं हैं, यानी मोनोलिथिक वाले नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं 1802 की बेसिन की संधि। ये इस पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? देखिए, गांधी जी का पहला आंदोलन जो था वो था चंपारण, दूसरा था खेड़ा और तीसरा आंदोलन जो था वो अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में था। और इसके बाद में इन्होंने चौथा आंदोलन भारत में चलाया था, वो आंदोलन था असहयोग। और इसी के समय पर इन्होंने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया, किंतु ऐसा हो ना सका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? देखिए, अंग्रेजों का शासन जो माना जाता है कि प्लासी उनका पहला युद्ध रहा, वो ठीक बात है, लेकिन प्लासी जो है वो छल से जीते थे। बक्सर का युद्ध वास्तविक रूप में उन्होंने अपनी कुशलता से जीता था, इसीलिए अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 1764 का बक्सर का युद्ध है, ना कि 1757 का प्लासी का युद्ध। तो सही जवाब इसका हो जाएगा बक्सर का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में एक नाटक है या आत्मकथा है या चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है या शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है? तो सही जवाब हो जाएगा शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो जाने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो ये मुअज्जम अर्थात बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संभाली थी। सही जवाब हो जाएगा ये वाला, क्या हो जाएगा? बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम। आगे बढ़ते हैं। किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? दिल्ली को सल्तनत की राजधानी तो ये किसने बनाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। देख लीजिए, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तविक रूप से इन्होंने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित नहीं किया था, क्योंकि ये लाहौर और उस इलाके में ही सीमित रहे। इन्होंने राज तो दिल्ली पर किया, लेकिन राजधानी दिल्ली के बजाय इन्होंने ज़्यादा अपना हिस्सा जो है समय अपना जीवन का वो बिताया था लाहौर में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादी एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई थी? ये सभी को पता होगा और इसका सही जवाब होगा सूरत अधिवेशन 1907। ये सूरत स्प्लिट बोला जाता है इसको, सूरत स्प्लिट 1907। आगे बढ़ते हैं। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पहले घटित हुई थी? तो जलियांवाला के तुरंत पहले रॉयलेट एक्ट आया था और इसी के विरोध में अमृतसर में जो है जो किचलू साहब थे और सत्यपाल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में अमृतसर में लोग इकट्ठे हुए और फिर आखिरी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 काहे के लिए जानी जाती है? 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने ये वाला हो जाएगा नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी द्वारा नमक बनाकर कानून तोड़ा गया था।
तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष, ये इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। आगे बढ़ते हैं, किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये अजमेर में दरगाह पड़ती है और इस दरगाह पर अकबर जो है दर्शन हेतु अधिक जाता था। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो ब्रिटेन में निम्नलिखित में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो ये ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता थी और इटली, क्लीमेंट इटली उसका प्राइम मिनिस्टर था। आज एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा जाता है जो कि मुझे इस समय याद आ रहा है कि जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटेन में कौन सा प्राइम मिनिस्टर था? तो इसका सही जवाब है पामहर्स्ट। कौन सा प्राइम मिनिस्टर था? पामहर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित सूफियों में से कौन कृष्ण को औलिया मानता था? कृष्ण को औलिया मानने वाला सूफी संत मोहम्मद गौस है। कौन है? मोहम्मद गौस। आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी वह कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन में दिया है लाहौर, कराची, मुंबई या लखनऊ, और इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर में। ये लाहौर में हुआ था और जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत, जिसमें जिन्ना ने कहा था हिंदू और मुस्लिम ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, तो इसको मान्यता दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, महोदया या श्रीनगरम ये किसका पुराना नाम है? महोदया या श्रीनगरम ये जो है ये कन्नौज का पुराना नाम है। एक मिनट, ये किसका पुराना नाम है? ये कन्नौज का पुराना नाम है। आगे बढ़ते हैं, चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था, चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ करने वाला जो है वो कौन हो जाएगा? वो हुमायूं हो जाएगा। और इसको जान लीजिएगा, यद्यपि चित्रकला की मुगल शैली को जो है प्रसिद्धि पाई है जहांगीर के समय में, लेकिन आरंभ करने का काम हुमायूं ने किया था। और प्रसिद्धि कब पाई है? जहांगीर के समय, तो इसलिए ये कन्फ्यूजिंग सवाल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है और अमीर खुसरो एटा के थे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो ये जान लीजिएगा, इसका सही जवाब है ईश्वरचंद विद्यासागर, लेकिन इसमें जान लीजिएगा एमजी रानाडे, इनका भी नाम आता है, किंतु एमजी रानाडे ने 1861 में विधवा के लिए एक एसोसिएशन बनाई थी, ना कि इन्होंने कानूनी रूप से वैध बनाने के लिए सफलता प्राप्त की थी। तो ये याद रखिएगा, अर्थात ईश्वरचंद विद्यासागर इसका सही जवाब हो जाएगा। और 1856 में ही 1856 में ही ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयत्न से विधवा पुनर्विवाह ये कानूनी रूप से वैध बन गया। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय पर हुई थी? तो आप लोग इसको इस तरीके से याद रखिएगा कि डफर था जिसके समय पर कांग्रेस बन गई। डफरिन वो डफर था जिसके समय पर कांग्रेस बन गई और उसने कुछ नहीं किया। तो इसको इस तरीके से याद रखिएगा, यद्यपि याद रखने के लिए कह रहा हूँ। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक प्रेसिडेंट रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना आज़ाद साहब जो है वो 40 से 46 तक, ये 42-46 तक जो है 6 साल तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के पहले अध्यक्ष, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, जीवी मावलंकर जी ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष देख लेते हैं, ऑप्शन जी डी बिड़ला, जे बी कृपलानी, विनोबा भावे और महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी, जान लीजिएगा ये सी जवाब इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्प्रिंगिंग टाइगर, एक्चुअल में इस पुस्तक का नाम स्प्रिंगिंग टाइगर नहीं है बल्कि पूरी किताब है सुभाष चंद्र बोस द स्प्रिंगिंग टाइगर, ऐसे करके नाम है इसका। तो ये स्प्रिंगिंग टाइगर, ये पुस्तक ह्यूग तोये की है, किसकी है? ह्यूग तोये। और स्पीकिंग टाइगर पुस्तक जो है सरोजनी नायडू की है, स्पीकिंग टाइगर पुस्तक जो है वो सरोजनी नायडू की है। बहरहाल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ह्यूग तोये। आगे बढ़ते हैं, कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियाँ किस परिसर में स्थित हैं? तो ये जो है आगा खान पैलेस पुणे हो जाएगा, यहाँ पर जो है जिस समय महात्मा गांधी को
बंद करके रखा गया था, तो उसी समय 1931 के आसपास में जो है 1932 के आसपास में जो है कस्तूरबा गांधी की डेथ हुई थी, और जिस समय गांधी और अंबेडकर समझौता हुआ था उसके तुरंत बाद में इनकी डेथ हुई थी। तो इनकी और महादेव देसाई जो कि इनके परिचर थे महात्मा गांधी के, तो उनको दोनों लोगों को आगा खान पैलेस में ही वहीं पर उनकी समाधियां बनाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, पार्ट वन का एक प्रश्न आपके लिए, इसको आपको देखना है, ये हर बार मैं दिया करूँगा और इसका सही जवाब मैं पार्ट टू में दूंगा। प्लीज़ इसके लिए आप गूगल का प्रयोग मत कीजिएगा और लगा के देखिएगा सही जवाब इसका क्या होगा। देखिए, निम्न आंदोलनों का सही कालक्रम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, होम रूल आंदोलन और भारत छोड़ो, इनको आपको सही क्रम में लगाना है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।